16 जून को रिलीज हुई ओम राउत की फिल्म आदि पुरुष प्रभास और कृति सेनन स्टारर हर दिन कमाई के नए आंकड़े छू रही है। देश में फिल्म का विरोध किया जा रहा है वह इसकी कमाई पर कोई असर नहीं देखने को मिल रहा है। इसी को देखते हुए मेकर्स ने फिल्म के डायलॉग्स में भी बदलाव की बात कही है। अब इसी बीच फिल्म के दुनिया भर में तीसरे दिन की कमाई के आंकड़े सामने आए हैं। हर दिन फिल्म 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर रही है, वही तीसरे दिन फिल्म ने 300 करोड़ के आंकड़े को पार कर लिया है। आदि पुरुष का जहां ऑडियंस से लेकर पॉलिटिशियन और कई एक्टर्स तक विरोध कर रहे हैं, इस बीच फिल्म की कमाई में भी लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। पहले दिन दुनिया भर में फिल्म ने 150 करोड़ के आंकड़े को छू लिया था, वही दूसरे दिन फिल्म ने 240 करोड़ रुपए की कमाई की थी। इंडिया टुडे की खबर के मुताबिक अब तीसरे दिन फिल्म 300 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुकी है। इसके साथ ही दुनिया भर में इस फिल्म का बर्ज देखने को मिल रहा है। इस फिल्म की रिलीज के बाद से ही विरोध हो रहा है। ट्राइकोर फैंस रावण के 10 सिर वाले लुक से खुश नहीं है, तो वही फिल्म के कैरेक्टर्स को दिए गए डायलॉग्स का भी खासा विरोध हो रहा है। खासतौर पर भगवान हनुमान और मेघनाथ के कैरेक्टर के लिए लिखे गए डायलॉग जो हमारी बहनों को हाथ लगाएंगे उनकी लंका लगाएंगे। कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की, जलेगी भी तेरे बाप की, तेरी बुआ का बगीचा है जो हवा खाने आ गया। ये फिल्म के कुछ ऐसे डायलॉग्स है जिससे फैंस काफी नाराज है और इसी के चलते फिल्म का विरोध किया जा रहा है। फिल्म आदि पुरुष को देश भर में निगेटिव रिव्यूज मिल रहे हैं, वही सोशल मीडिया पर भी फिल्म के कमजोर पॉइंट्स पर तमाम तरह की बातें हो रही है। अब नेपाल की राजधानी में इस फिल्म पर बैन लग गया है। काठमांडू में आदि पुरुष पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है, साथ ही फिल्म को लेकर काठमांडू के सिनेमा घरों में हिदायत भी दी गई है। नेपाल की राजधानी काठमांडू के मेयर बालेन शाह ने आदि पुरुष में सीता को भारत की बेटी बताए जाने पर गहरी आपत्ति जताते हुए शहर में फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाई और शहर के हर एक सिनेमाघरों को लिखित रूप से हिदायत दी कि वे जब तक फिल्म के सीन को नहीं हटाते हैं तब तक शहर के किसी भी हॉल में इस फिल्म का प्रदर्शन न किया जाए। उल्लेखनीय है कि आदि पुरुष पर यह बैन फिलहाल काठमांडू तक सीमित है और पूरे नेपाल में इसे बैन नहीं किया गया है, लेकिन जल्द ही पूरे देश में फिल्म को बैन किए जाने की आशंका है। आदि पुरुष को दुनिया भर में जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है और ये कमाई के मामले में नए रिकॉर्ड्स भी बना रही है। हालांकि इसे भारत में दर्शकों के तबके के विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच अब फिल्म की मेकर्स टीम ने जनता और दर्शकों के इनपुट को महत्व देते हुए फिल्म के डायलॉग्स में बदलाव करने का फैसला किया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बाकी की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को शेयर, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।